नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि आपका वजन बढ़ता कैसे है और कम कैसे होता है। मैंने इसे पहले वाले वीडियो में भी कहा था और आज फिर से ये कह रहा हूँ कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सिर्फ इसलिए है कि मेरे को कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मैं एक बार देख करके याद कर लूँ। आप लोगों को पूरी जो बात मैं कर रहा हूँ उससे समझ आ जानी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है और आपको ये दिक्कत हो रही है कि क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, तो आपको उस पर देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपको सब कुछ समझ आना चाहिए, आ जाना चाहिए। मैं ये बोर्ड पे जो लिखा है वो मैंने अपने लिए लिखा है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट में बता देना। हाँ, तो आज हम बात करेंगे हमारा वजन बढ़ता कैसे और कम कैसे होता है। देखो, आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा खाने से जाती है, जो भी एनर्जी खाने से अंदर जाती है और जो भी ऊर्जा हमारा शरीर खर्च करता है, जो भी एनर्जी हमारा शरीर खर्च करता है पूरे दिन के काम में, वो कैलोरीज में नापी जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में बात कर रखी है। अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आया कि मैं किसी एक वीडियो में क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं जिस भी वीडियो में जो भी बात कर रहा हूँ उसके बारे में जो भी आपको पता होना चाहिए वो मैंने पुराने वीडियोज में बात कर रखी है। आप पुराने वीडियो जा करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप लाइन से देखोगे तो आपको सब समझ आता जाएगा। हाँ, तो हमारा वजन बढ़ेगा जब जब हम जितनी कैलोरीज हमारा शरीर खर्च कर रहा है उससे हम ज़्यादा खाएंगे, और हमारा वजन कम होगा जब हमारा शरीर जितनी कैलोरीज खर्च कर रहा है उससे हम कम खाएंगे। बस इतना सही है। वजन तब बढ़ेगा जब शरीर जितनी कैलोरीज खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा हम खाएंगे, और वजन कम होगा जब शरीर जितनी कैलोरीज खर्च कर रहा है उससे कम हम खाएंगे, उससे कम कैलोरीज हम खाएंगे। मान लो आपका शरीर दिन भर में आपने जो भी काम किए, कसरत करी, वो खाया पिया, उन सब में मिला करके आपके शरीर ने 2000 कैलोरी खर्च करी। एक तो शरीर कहाँ कहाँ ऊर्जा खर्च करता है, कैलोरी खर्च करता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बात कर रखी है, पिछले एक दो वीडियो में बात कर रखी है मैंने, तो आप वो देख सकते हैं। मान लेते हैं अभी शरीर ने 2000 कैलोरी खर्च करी और आपने 2800 कैलोरी खा ली, तो 2800 कैलोरी में से 2000 तो आपके शरीर ने खर्च कर दी, बची 800 कैलोरी। ये जो 800 कैलोरी है ये आपका वजन बढ़ाएंगी। कितना वजन बढ़ाएंगी, हमने पहले मैंने अपने पुरानी वीडियो में बात कर रखी है कि 800 कैलोरी अगर आपके शरीर में आप डालोगे तो आपका 100 ग्राम वजन बढ़ेगा। तो अगर आपने 800 कैलोरी ऊपर खाई है, ज़्यादा खाई है, तो आपका 100 ग्राम वजन बढ़ेगा। अब आप कहोगे कि मैंने 800 कैलोरी के लिए खाने के लिए मैंने मान लो 1 लीटर दूध पी लिया था, लेकिन 1 लीटर दूध पी करके जब मैं वजन नापने के लिए खड़ा हुआ तो मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया। नहीं, तो वो एक बार के लिए तो वो दूध का भार आपके शरीर में, लेकिन वो जब उसमें से जो भी निकलना है वो आपके शरीर से निकल जाएगा, वो पूरा खाना पच जाएगा जो भी आपने खाया है, तो वो आपके पूरे शरीर में 100 ग्राम वजन बढ़ाएगा। मतलब उस खाने को पचने में 1-2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जब वो पूरा खाना पच जाएगा उसके बाद में आपके शरीर में 100 ग्राम ही पड़ेगा। एक बार तो आप खड़े हो गए तो वो आप पानी पी करके भी खड़े हो गए तो आपको 1 लीटर पानी पी करके खड़े हो गए तो 1 लीटर वजन बढ़ जाएगा, लेकिन वो खाना पूरा पचने, क्योंकि वो तो पानी का या खाने का वजन है ना, वो पूरा पचने के बाद में जो आपके शरीर में वजन बढ़ेगा वो 100 ग्राम है। वैसे ही मान लो आपने 2000 कैलोरी खर्च करी और आपने 1600 कैलोरी खाई, तो आपने 400 कैलोरी कम खाई। 400 कैलोरी, 800 कैलोरी 100 ग्राम वजन बढ़ाती है, तो मतलब 400 कैलोरी 50 ग्राम वजन बढ़ाती है। तो अगर आपने 400 कैलोरी कम खाई तो आपको 50 ग्राम वजन कम होगा, क्योंकि आपने 400 कैलोरी कम खाई। 400 कैलोरी ज़्यादा खाते तो 50 ग्राम वजन बढ़ता। ये 450 ग्राम वजन कम होगा, खाना पच जाएगा, आपके शरीर को पता चलेगा कि अरे यार आज तो 400 कैलोरी कम आई है, आज तो अपने को शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी पहले से हमने इकट्ठी कर रखी है उसी में से खर्च करनी पड़ेगी, तो उसमें से 400 कैलोरी खर्च करेगा और उसके कारण आपका 50 ग्राम वजन कम होगा। शरीर में जो वजन बढ़ता है और जो कम होता है वो कहाँ बढ़ता है और कहाँ कम होता है? शरीर में 3 जगह पे वजन बढ़ सकता है या कम हो सकता है, 3 जगह से। एक जो आपके शरीर में चर्बी है, फैट है, उसमें वजन बढ़ सकता है। एक जो आपके शरीर में ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या होता है हमारे शरीर में, वैसे ग्लाइकोजन क्या होता है इस पर मैं आगे बात करूंगा, पर एक बार समझने के लिए, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में मांसपेशियों में, मसल में
इकट्ठा होकर के रहता हुआ ग्लूकोज है, वो इतनी है ग्लूकोज है जो हमारी मांसपेशियों में शरीर में इकट्ठा होकर रहता है। तीसरा, हमारे शरीर में जो वजन बढ़ा हो सकता है मांसपेशियां ही बढ़ गई, एक तरीके से, और आपके शरीर का वजन बढ़ सकता है वो पानी है, लेकिन पानी आप एक टाइम पे एक समय पे आपका शरीर कुछ पानी को रोक करके रखता है अपने अंदर, अगर वो उस पानी को छोड़ देगा तो वो वजन आप नापोगे तो कम हो जाएगा, अगर वो और पानी को रोक करके रख लेगा तो वो वजन बढ़ जाएगा, लेकिन उसे वजन बढ़ने में नहीं गिना जाता, वजन बढ़ने में इन इन तीनों को ही गिना जाता है, क्योंकि पानी आपके शरीर को कैसे भी छोड़ सकता है और कैसे भी बढ़ सकता है, तो उसे वजन गिनने में नहीं नापा जाता। तो मान लेते आपका वजन बढ़ा, तो हो सकता है वो चर्बी में बढ़ गया हो, मान लो आपका 100 ग्राम वजन बढ़ा था, तो हो सकता है वो चर्बी में बढ़ गया हो सकता है वो आपका आपके शरीर में जो ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज एक तरीके का जो ग्लूकोज है वो इकट्ठा हुआ उसमें बढ़ गया हो सकता है वो आपकी मांसपेशियां बढ़ गई हो, 100 ग्राम आपकी मांसपेशियां बढ़ गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 100 ग्राम में से 50 ग्राम एक चीज में काम आ गया, 30 ग्राम एक चीज में काम आ गया और 20 ग्राम एक चीज में आ गया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब 50 ग्राम मान लो मांसपेशियां बढ़ गई, 20 ग्राम चर्बी में चला गया और 30 ग्राम ग्लाइकोजन में चला गया ऐसा, और वैसे ही कम हुआ तो मान लो 50 ग्राम आपका वजन कम हुआ था, तो हो सकता है पूरी की पूरी वो 50 ग्राम चर्बी से गया, हो सकता है पूरा का पूरा 50 ग्राम आपका ग्लाइकोजन से गया, हो सकता है वो पूरा का पूरा 50 ग्राम आपका मांसपेशियां आपकी तोड़ दी गई उसके लिए, मतलब मांसपेशियों से वो ऊर्जा निकाली गई, मतलब आपकी मसल को बर्न कर दिया गया ऐसे। ये समझने वाली बात है कि ये जो भी हमारा वजन बढ़ रहा है कम हो रहा है वो इन तीन जगह से हो रहा है, पानी से भी होता है, लेकिन पानी में क्या है, हम पानी को इसलिए नहीं गिनते क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, कोई ऊर्जा नहीं होती, पानी सिर्फ हमें अपने पूरे दिन के जीने के लिए हमें चाहिए, हमारे शरीर में बहुत सारे काम है पानी के, इसलिए हम पीते हैं, लेकिन पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। आप 8 लीटर पानी पी लोगे तो एक बार के तो आपका 8 लीटर, मतलब 8 लीटर का जितना वजन है वो आपको नापोगे तो वो दिखा देगा 8 लीटर बढ़ गया क्योंकि आपके शरीर में, लेकिन वो निकल भी जाता है, तो वो आपका एक तरीके से वजन नहीं बढ़ाता वैसे गिनोगे तो ये थी पूरी वजन बढ़ने की कहानी, तीन जगह से वजन बढ़ता है, और अगर आप वैसे भी देखना चाहते हो कि कई बार आपका वजन बढ़ा है तो पानी के कारण भी बढ़ता है, लेकिन उसे वजन बढ़े में नहीं मानते क्योंकि पानी को खर्च करने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकल सकता है, और पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, मतलब उसे हम बहुत ज्यादा पी लेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा वजन शरीर में बढ़ जाएगा, वैसा नहीं हो, जब हम यूरिन निकालेंगे तो वो निकल भी जाएगा, पसीने में भी निकल जाता है, हम सांस लेते हैं उसमें भी निकल जाता है ऐसे। अब इससे ये जो मैं बताया कि 2000 कैलोरी अगर आपने खर्च करी और 1600 कैलोरी आपने खाई तो आपको 400 कैलोरी के हिसाब से 500 ग्राम वजन कम हो जाएगा, इसे सुनते ही सीधा खाना कम खाने मत लग जाना, उससे आपका शरीर खराब हो सकता है, इसके बारे में मैंने अपने पुरानी वीडियो में बात कर रखी है जिसका नाम था क्रैश डाइटिंग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम खाओगे वजन कम होगा और वो सही तरीके से वजन कम होगा, हो सकता है आप कम खाने लगो तो आपकी मसल भी चली जाए, मतलब आपकी मांसपेशियां भी कम होने लग जाए जो कि बहुत नुकसानदायक है, तो उसके लिए सही तरीके से खाना होता है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लो, इससे ये मत समझ लेना कि हमें कम ही खाना है, मतलब जैसा खा रहे हो वैसे खाते रहो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उल्टा सीधा कुछ भी मत करो, ऐसा नहीं है खाना कम कर दिया ये सोच करके कम हो जाएगा, हो सकता है उसमें भी मांसपेशियां मतलब मसल भी कम हो जाए, तो ये मैं बताना चाहता था कैसे वजन बढ़ता है कम होता है, ज्यादा खाओगे जितनी कैलोरी खर्च करो उससे ज्यादा खाओगे तो वजन बढ़ेगा, उससे कम खाओगे तो वजन कम होगा, और वजन इन चीज़ों में बढ़ता है, बढ़ता पानी से भी है और उसे हम गिनते नहीं क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, कोई भी बात बोलनी है तो कमेंट में लिख दो, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, अगर मेरे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए, मेरा वीडियो है तो आपको पता चल जाएगा वो वीडियो आया है मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो नोटिफिकेशन चालू कर दो, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।